सो गाइस फाइनली बाबू भैया हमारे सामने सो सब इफ यू आर सीइंग दिस तो यू नो मोहब्बत देख रहे हैं आप हमारी सो गाइस बाबू भैया इज राइडिंग माय बाइक थैंक यू बाबू भैया हेलो चाहे जिंदगी है 24 जनवरी इस दिन मैं खास शक्त से मिला अनुराग भैया द यूके 07 राइडर और ये दिन मेरा एकदम सुनहरा दिन बन गया बोले तो ऐतिहासिक दिन बन गया और उस हसीन दिन के कुछ हसीन पल आपकी खिदमत में पेश करता है ये लौंडा पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त सो हेलो गाइस एंड व्हाट्स अप एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल द केड इज ऑन एंड दिस इज मी कौशल डिमरी सो गाइस टाइटल और थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम कहाँ जाने वाले हैं तो हाँ जी आज हम जाने वाले हैं द यूके 07 राइडर से मिलने उनके घर तो मेरे साथ आने वाला मेरा एक दोस्त जो रहता है सरस्वती विहार में तो मेरे को सरस्वती विहार जाना है उसको पिक करने सबसे पहले फिर हम निकलेंगे एंड जो दोस्त मेरे साथ आने वाला है उसको मुझे पिक करने जाना है सरस्वती विहार वो मेरा बहुत पुराना दोस्त है हम लाइक 2-3 साल बाद मिलेंगे लाइक हमने 10th क्लास में साथ में पढ़ा था उसके बाद से अलग अलग स्कूल वगैरह में हो गया अलग अलग सिटी में तो अभी उसको पिक करने जाना है फिर हम साथ में जाएंगे बाबू भैया के घर तो गाइस ये बहुत ही बड़ा खुशी का दिन तो लाइक मैंने बाबू भैया के लिए गिफ्ट भी लिया है वो गिफ्ट मैं आगे आपको दिखाऊंगा उसमें मैंने सवेयर राइड्स की पिक भी लगा रखी है सवेयर राइड्स की पिक क्यों लगा रखी है आपको सब पता तो होगा ही तो अभी फिलहाल के लिए सबसे पहले अपने दोस्त को लेने चलता हूँ और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं आज हम भैंस की टांग आग लगा देंगे हम दोनों और बाबू भैया मेरी वीडियो बनाएंगे तो कसम से ये वीडियो एकदम फाड़ होने वाली है गाइस तो यहाँ कहीं रहता है वो लौंडा सरस्वती विहार में तो उसको पिक करना पड़ेगा पहले क्योंकि अकेले में तो मेरे जाने की बस की नहीं है भाई वहाँ फट जाएगी मेरी कसम से लिटरली कांप जाएंगे मेरे हाथ पांव रिएक्शन देख रहे हो अपनी R15 V3 के गलियों में जब से लाउड एग्जॉस्ट लगा है तो एकदम सन्नाटा हो जाता है भाई एंड आज हम बाबू भैया को भी बोलेंगे कि हमारी V3 चलाओ लाइक हमारी ये जो V3 है एक मॉडिफाइड V3 है उत्तराखंड की तो बाबू भैया से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि बाबू भैया जरा एक हाथ आप भी मारो अपनी V3 पे और यहाँ सरस्वती विहार में मेरे बहुत से रिलेटिव रहते हैं मेरा पूरा खानदान यहाँ बसा हुआ है यहाँ आसपास कहीं मेरे मौसा जी भी रहते हैं तो बस मेरा खानदान में से कोई मेरे को देखने ले वो ना दिक्कत आ जाएगी भाई घर में बोल देंगे कि तुम्हारा लौंडा यहाँ घूम रहा है सरस्वती विहार की गलियों में हेलो हाँ कहाँ है तुम आगे लोकेशन पे चल ठीक है लौंडा पता नहीं क्या आगे आगे बोल रहा है आगे आ जा तो अभी चलते हैं लौंडे के पास इस लौंडे ने पूरा सरस्वती विहार घुमा दिया मैं आधे घंटे से घूम रहा हूँ और यहाँ पे है महाराजा ओहो बाबू वैसे मिलने चलोगे कैसा है बढ़िया तू बता बढ़िया कहाँ है तेरा घर उधर है लास्ट दिख रहा हूँ चल ठीक है चल आजा बैठ जा खुशी को दिन में यार जल्दी बैठ कितना एक्साइटेड हो लौंडे तू भाई अगर मिल जाए ना तो मजा आ जाएगा कसम से तो गाइस अभी मैं निकल चुका हूँ सरस्वती विहार से मैंने इस लौंडे को पिक कर लिया है जीत अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी few moments later तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं एंड वी हैव अ गिफ्ट फॉर बाबू भैया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने बाबू भैया का ये जीनोसो पे लगाया हुआ है और यहाँ पे एक फोटो हमने लगाई है सव्या राइट्स के साथ क्योंकि वो जस्ट अभी नेपाल से आए हैं एंड वो उनको काफ़ी मिस कर रहे हैं और यहाँ पे हमारा छोटा सा ये चैनल का ब्रांडिंग ताकि वो कभी भूले ना कि यू नो हमने दे रखा है केडी जोन से मिला है गिफ्ट हम बाबू भैया के घर पर जाने वाले हैं तो एक बार यहाँ पे गिफ्ट देख लो एक्चुअली मैंने इसको पैक नहीं किया हुआ तो यहीं पर पैक करूँगा फिर हम देंगे ये बाबू भैया को तो यहाँ पर हमने अभी ये पैक कर लिया और यहाँ पर हमको कुछ बाबू भैया के सब्सक्राइबर मिल चुके हैं जानते हो बाबू भैया को तुमने देखा है आता एक भैया आते हैं यहाँ से हरी रंग की बाइक में है? जिनके क्या वो ना उसके पास भी ऐसी है हाँ काली कलर की है काली हाँ। ग्रीन कलर की लाल लाल हेलमेट पे इसको लगा रहता हाँ। ये खाली क्या तो गाइस अभी हम बाबू भैया का घर ढूंढने गए
एड्रेस वैसे पता है बट हम आपको एड्रेस नहीं बताएंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि उनका एड्रेस ये वीडियो के थ्रू लीक वगैरह हो जाए। A few moments later. ओहो ओहो बाबू भैया का घर गाइस, बाबू भैया का घर, खुशी का दिन। आहा गारंटी दे रही है ये, देख मैं गारंटी दे रहा जी, 900 खड़ी होगी वहाँ पे। और देख सो गाइस यही है भाई वहाँ पे बाबू भैया की जी 900 खड़ी हो रखी है और KTM भी उनकी। भाई मैं लिटरली धक धक हो रहा है दिल में। A few moments later. So guys, finally, बाबू भैया हमारे सामने। तो अभी कहाँ से आ रहे हो तुम लोग, घर से? हाँ घर से आ रहे हैं। आज प्लान था। संडे। हम लोग बाइक राइड करा रहे हैं एक्चुअली ना। तो आज अच्छा अभी आप जा रहे हो कहीं? हाँ मतलब थोड़ी देर में निकलना है एक्चुअली। अच्छा आप हमारे सामने ही खोलना भैया, आपके सामने खोलना है। हाँ सो गाइस दे हैव गॉट अ गिफ्ट फॉर मी, आ जाओ अंदर बैठेंगे आराम से। स्टैंड लेट्स गो बेबी। अरे यार भैया बिलीव नहीं हो रहा मतलब आप इतने बड़े यूट्यूबर, ऐसी बातें कर रहे हो मतलब आप, मैं जीरो एटीट्यूड है यार एकदम। लेट्स गो, जाओ मम्मी के पास जाओ मम्मी बुला रही है, पर मम्मा सैंडी को बुलाना। खोलो इसको भैया आप। सो गाइस दे हैव गॉट अ गिफ्ट फॉर मी और मुझे लग रहा है कि इसके अंदर होगा एक कप। ये मुझे आदत हो चुकी है एक्सपीरियंस, इतना बोल देता हूं। ये चिकना चिकना क्यों हो रहा है, मोमोज की खाली लग रही है। है सो गाइस वी हैव गॉट अ कप इस पे हमारी, अरे सब ये राइट अरे मेरा चैनल का नाम ताकि आप याद रखो कि मैंने दिया। सो सव्या इफ यू आर सीइंग दिस तो यू नो मोहब्बत देख रहे हैं आप हमारी, सबको पता ही चल चुका है ऑलमोस्ट। लाइक अभी आप जस्ट नेपाल से आए हो तो आप उनको मिस भी कर रहे हो तो मैंने बोला यही करते हैं वापस जाना। पहले मैं लाइक ना आंटी के साथ कर रहा था जो आपका, बट मैंने बोला अभी सव्या राइट्स के जस्ट आए हैं नेपाल से, अभी किसी ने दिया भी नहीं होगा ऐसा ना। ओके ओके हां यार अभी तो हां हां दिन का 15-20 मिनट फिक्स होंगे। क्या बोलते हैं सव्या दीदी को भी भेज देता ना यार। ओ भाई गुड मॉर्निंग, एक सरप्राइज हूँ, खुशी को यू हैव गॉट सम फैंस हियर। वो सो रही है एक्चुअली। हाय हेलो मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया। आपके लिए गिफ्ट लाए हुए आपके बाबू भैया के लिए। कैसा है? एकदम राम ब्रो, थैंक यू बढ़िया राम ब्रो मींस बढ़िया। हां हां नहीं आता मुझे नेपाली जरा है हर चीज। ये भैया हेलो भाई ये सारे कंट्रैक्ट्स हैं। नेपाल जाते हुए देखा था नहीं ये यूपी से ये लगी है मैं करण प्रयाग से कहा गया, मैं तो इधर यूपी वहां गए होंगे ओली जब गए थे ना। अच्छा ओली जाते हुए ओली मैं आई वाज देयर बट नेपाल जाते हुए मैं यूपी से गया था। सो गाइस अभी हमने यहाँ पे चाय वाई सब पी लिया एंड बाबू भैया इतना अच्छा है ना भाई, कसम से ऐसा कुछ लगा ही नहीं हमको कि हम लाइक 500K सब्सक्राइबर वाले के साथ बैठे हुए हैं, ऐसे लगा कि अपने कोई बचपन के यू नो क्या बोलते हैं उसको, बचपन का कोई दोस्त मिल गया, लंगोटिया यार ऐसा लगा जैसे कोई लंगोटिया यार मिल गया हमको। अभी बाबू भाई मेरी बाइक चलाने वाले हैं, मेरी बाइक एक मॉडिफाइड R15 इधर है, उत्तराखंड में सिर्फ एक ही होगी मेरे ख्याल से ऐसी। हाँ हम लोग
ये तुमने क्या बोला था रैप लगाया? हाँ यार बहुत सही लग रही है ना। थैंक यू बस चालान ना हो जाए कभी। एग्जॉस्ट लगा हुआ है एक्रो बॉबी का, इस पे तो चालान कटेगा ना। हाँ वैसे रोका है बहुत बारी बट चालान तो कटा नहीं। ईवी किलर के साथ में हाँ एक बार चलाना ना थोड़ा। हेलो को मैं बैठता हूँ बाबू भैया इज राइडिंग माय बाइक। ओहो यार फुल फेयरिंग का मजा ना अलग ही है पता है। हां हां ऐसी जी यहाँ से और ये देख लो एक बार बाबू भैया का घर। ओ भाई बाबू भैया के साथ राइड करके मजा आ गया। बाबू मेरी तो फट रही थी पीछे बैठ गए। एक बार उनकी जीन ऑसम अगर कभी बैठेंगे तो भाई फट जाएगी पूरी बाइक। मेरी R15 150 cc की है और इतना मजा आया इसमें साथ बैठ के बाबू भैया के साथ। पावर मजा आ गया भाई। आज खुशी का दिन, खुशी का दिन, ये दिन कभी भूलेंगे नहीं भाई। गाइस अभी निकल रहे हैं बाबू भैया के घर से और ये दिन आज है पूरा खुशी का दिन। ओहो तो को ज्यादा ही खुशी आ रही है यार। मैं कभी ऐसे पब्लिक में फुल थ्रॉटल खींचता नहीं हूँ बट आज इतनी खुशी हो रही है ना भाई। एंड गाइस बाबू भैया इतने अच्छे जो है ना, मतलब मैं क्या बोलूँ यार, समझ में नहीं आ रहा। मतलब ऐसा कुछ है नहीं उनके अंदर कि इतने बड़े यूट्यूबर है, एकदम फ्रेंडली करके रहे हमारे साथ। घर में चाय वाई भी हमने और सही से बात की और सब यार राइट से भी वीडियो कॉल में बात की आपने जैसे कि देखा होगा। बहुत मजा आया यार आज का इस यार। मेरे अंदर पहले एक दो मिनट में नर्वसनेस थी बट जैसे वो मिले थोड़ा चिरंग से बात की सारी नर्वसनेस निकल गई थी। और दिस इज़ अ वन ऑफ द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। बस इस वीडियो को एंड करते हैं एंड अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक बढ़िया सा कमेंट भी कर दो यार। #GrowthSena एक कमेंट कर दो कमेंट बॉक्स में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अभी हम निकल रहे हैं वापस प्रेमनगर के लिए। तो बस मिलते हैं ऐसे एक्साइटेड वीडियो के साथ यार। तब तक के लिए गुड बाय।